हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निश्रेया इन जायका में। आज निश्रेया इन जायका में हम बना रहे हैं मूंग की दाल के हलवे से डबल लेयर बर्फी, या ये कह सकते हैं मूंग दाल की कलाकंद बर्फी। इसे बनाने के लिए आपको मूंग की दाल का हलवा बनाना होगा, जो हम शेयर कर चुके हैं निश्रेया किचन में, और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे अगर आप मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं और आपने बना रखा है, तो उसी हलवे को आप काम में ले सकते हैं और मूंग की दाल की कलाकंद बर्फी की रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए मूंग दाल के कलाकंद बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने लिया है 1 कप मूंग दाल से बना हुआ हलवा। इस मूंग दाल के हलवे की रेसिपी निश्रेया किचन में शेयर की हुई है और इसमें हमने एक खास टेक्निक यूज की है, जिसमें मूंग की दाल का हलवा बनाते टाइम बिल्कुल भी वो कढ़ाई में चिपकता नहीं है। तो चलिए, अब मूंग की दाल का हलवा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह आप मावा या मलाई भी मिला सकते हैं। तो मिल्क पाउडर डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इससे इस मिक्सचर में बाइंडिंग आएगी और बर्फी जमाना आसान रहेगा। ये देखिए, थोड़ा मिक्सचर हाथ में लेकर के इसको दबा करके चेक करके देखें, ये इजीली बाइंड हो रहा है। तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। गैस को बंद कर देंगे और अब एक कंटेनर लेंगे, जिसमें हमने नीचे पार्चमेंट पेपर लगा रखा है। आप केवल कंटेनर पे थोड़ा सा घी लगा करके उसको चिकना भी कर सकते हैं। फिर इस मिक्सचर को उस कंटेनर में डालें और ऊपर से दबाते हुए स्मूथ कर लें। अब इसकी हम सेकेंड लेयर बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में 1 चम्मच घी या बटर लें, उसमें 1/2 कप डालें पनीर। पनीर को हम ग्रेट करके डाल रहे हैं, साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर नहीं हो तो आप मावा भी काम में ले सकते हैं। 1/4 कप से थोड़ी ज़्यादा इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे और 2-3 चम्मच दूध डाल करके मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे। शुरू में मिक्सचर थोड़ा सा गीला होगा, फिर इस मिक्सचर को चलाते रहेंगे और इसको गाढ़ा करेंगे, और जब थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर की लेयर को मूंग दाल के मिक्सचर की लेयर के ऊपर लगाएंगे, अच्छे से फैलाएंगे और फिर ऊपर से थोड़ा सा ड्राई रोज पेटल से या फिर कुछ ड्राई नट्स कट करके वो भी ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। अब 1-2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ दें, और जब ये सेट हो जाएगा तो अपनी पसंद की शेप में पीसेस कट कर लें। तो ये हो गई मूंग दाल की बर्फी, या यूं कहें कि कलाकंद तैयार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।